ओम शांति। ये क्रिसमस का संदेश है और क्रिसमस के क्रिश्चियन त्यौहार और ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम जो सीखते हैं उसके बीच संबंध जोड़ता है। क्रिसमस क्रिश्चियन त्यौहार है जो क्राइस्ट के जन्म का जश्न मनाता है। एक तरफ है बच्चा जीसस, जो एक कुंवारी माँ के गर्भ गृह में पैदा हुआ था। उसने एक परी एंजल के दर्शन से माध्यम से इस बच्चे की कल्पना की। दूसरे शब्दों में ये एक ऐसा त्यौहार है जो एक शुद्ध जन्म की याद दिलाता है। उस समय जीसस को क्राइस्ट नहीं कहा जाता था, फिर भी त्यौहार को क्राइस्ट मास कहा जाता है, क्राइस्ट का जन्म। अब शिव बाबा ने हमें बताया है कि क्राइस्ट और कृष्ण के बीच गहरा संबंध है। ये एक गहरा रहस्य है जिसके बारे में उन्होंने कई संकेत दिए हैं। कृष्ण के जन्म की कहानियों में कई समानताएं हैं। कहा जाता है कि कृष्ण का जन्म एक कारागार में हुआ था। उनकी माँ ने एक दिव्य दृष्टि से गर्भ धारण किया और ये एक शुद्ध जन्म था। जीसस की कहानी में उस क्षेत्र के राजा, जिसे हेरोड के नाम से जाना जाता था, उसने पूर्व के कुछ ऋषियों से सुना कि एक बच्चा पैदा हुआ था जिसे दुनिया का सम्राट बनना था। वह क्रोधित हो गया। उसने सब नवजात पुरुष बच्चों को मारने का आदेश दिया। कृष्ण के मामले में शिशु लड़के का एक नवजात लड़की के साथ आदान प्रदान किया गया। जब सैनिक उसे मारने के लिए आए तो वो आकाश में उड़ गई। पिता ने बच्चे को एक टोकरी में रखा, उसे नदी के उस पार सुरक्षित स्थान पर ले गए। ये कहानी मोसेस की कहानी में भी प्रतिध्वनित होती है। बाबा की मुरली से हम जो समझ सकते हैं वह ये है कि क्राइस्ट की आत्मा का आगमन जॉन द बैप्टिस्ट द्वारा जीसस के बैप्टिज्म के समय हुआ था, जो तब हुआ जब वो 30 साल के थे। बैप्टिज्म ज्यूइश विधि बार मित्वा के लिए क्रिश्चियन शब्द है, जो शुद्धिकरण के अनुष्ठान के रूप में पानी में पूर्ण विसर्जन करके किया जाता है। जीसस की कहानी एक पक्षी के बारे में बताती है जो स्वर्ग से नीचे उड़ आया था जब वह पानी में डूबे हुए थे। ये आत्मा की दुनिया से सीधे आने वाली आत्मा का प्रतीक है और जीसस के वयस्क शरीर में क्राइस्ट की आत्मा के अवतार का प्रतिध्वनित करता है। इस समय से 3 वर्ष तक क्राइस्ट की आत्मा ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। क्रिश्चियन धर्म की एक तीसरी प्रमुख कहानी जो हर साल ईस्टर के त्योहार के रूप में मनाई जाती है, जीसस के क्रूस पर चढ़ने और क्राइस्ट के पुनरुत्थान के बारे में है। ये दो आत्माओं की उपस्थिति को भी दर्शाता है जो एक शरीर में थी।
जीसस की आत्मा को सूली पर चढ़ाया गया और ज्यूइश एल्डर्स के हाथों मारा गया। रोमन अधिपतियों ने जीसस से हाथ धोने का फैसला किया क्योंकि उन्हें किसी भी अपराध का कोई सबूत नहीं मिला। क्राइस्ट की आत्मा एक शुद्ध आत्मा क्रॉस पर पीड़ित नहीं हो सकती, लेकिन जीसस के शरीर को छोड़ दिया गया, जीसस की आत्मा को अकेला छोड़ दिया। बाबा की मूल्य के अनुसार जीसस की आत्मा ने अपने सभी संचित कर्मों को सुलझा लिया और क्राइस्ट के कार्य और क्रिश्चियन धर्म के विकास को जारी रखने के लिए पूरी तरह से शुद्ध अवस्था में पुनर्जन्म लिया। क्राइस्ट की आत्मा उठी और 3 दिनों के बाद अपने शिष्यों को दिखाई दी। प्रकाश के इस शरीर में क्राइस्ट का प्रकट होना, जिन्होंने उन्हें उसे न छूने के लिए कहा था, ये दर्शाता है कि उन्होंने एक दृष्टि देखी जिसे हम अव्यक्त रूप कहते हैं। एक कहानी ये भी है कि इसके तुरंत बाद 12 शिष्य एक एक के सिर पर एक बड़ी ज्योत के साथ ध्यान में बैठे थे। ये एक संकेत है कि प्रत्येक शिष्य को आध्यात्मिक शक्ति शक्ति का एक रूप क्राइस्ट की आत्मा से संपन्न हुआ, जो क्रिश्चियन धर्म को विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए, जो बाद में 2000 वर्ष तक जारी रहा। इस समय तक ये कई सेक्शंस में विभाजित हो चुका है और विभिन्न सेक्शंस के बीच काफी असहमति है। यदि आप क्रिसमस के त्यौहार से जुड़े रीति रिवाजों को देखें, तो कुछ हिंदू त्यौहारों, रीति रिवाजों और मान्यताओं के साथ समानताएं हैं। क्रिसमस की तुलना अक्सर दीपावली के हिंदू त्यौहार से की जाती है। क्रिसमस लाइट स्ट्रिंग्स की माला से जुड़ा होता है, खुशी, नया जीवन, उपहार, मिठाइयाँ, नृत्य और सफलता के साथ जुड़ा है। दीपावली वह त्यौहार है जो सभी आत्माओं को ज्ञान की याद दिलाता है। सुवर्ण युग के सम्राट श्री नारायण का राज्याभिषेक होता है। ये धन का त्यौहार है, लक्ष्मी की पूजा, नया साल, साथ ही काली चौदस का त्यौहार है सभी आत्माओं के लिए। सभी आत्माएं प्रकाश की दुनिया में वापस उठ जाती हैं और नई दुनिया शुरू होती है। ये भी एक ऐतिहासिक कारक है कि क्रिश्चियन धर्म का प्रसार प्राचीन मूर्ति पूजक त्योहारों को विस्थापित करने के लिए हुआ। इन सभी की उत्पत्ति भारत में हुई थी और प्राचीन काल में ये पूरे विश्व में फैल गया था। क्रिश्चियन धर्म मौजूदा त्योहारों को अपनाने और अवशोषित करने और क्रिश्चियन मान्यताओं के साथ फिट होने के लिए नामों और कहानियों को फिर से परिभाषित करने की प्रवृत्ति रखता है।
इस तरह पहले से मौजूद धर्म नए विश्वास प्रणाली में समाहित होने के बाद गायब हो गए। ये रोमन साम्राज्य के प्रसार के साथ मेल खाता है, जो क्रिश्चियन बनने वाला सबसे पहला राज्य था। रोमन साम्राज्य के प्रभाव में आने वाले सभी देशों का राजनीतिक तरीकों से क्रिश्चियनाइजेशन किया गया। उसी समय भारत, उत्तरी भारत इस्लाम के प्रभाव में आ गया। क्रिस्पस के बारे में ये बात शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ इस बैकग्राउंड को साझा करने का काफ़ी दिलचस्प होगा। हम शिव बाबा की मुरली के माध्यम से जो वो कहते हैं उसे सीखते हैं, सुनते हैं और अध्ययन करते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।